प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में संधि विषय के बारे में पढ़ेंगे। संधि शब्द पुल्लिंग है। यह सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से के प्रत्यय लगाने पर बनता है। संधि का ही दूसरा नाम संहिता भी है। जैसा कि आपने संज्ञा प्रकरण में सूत्र पढ़ा, प्रसन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता या संधि कहते हैं। संधि के खोलने को विग्रह या संधि विच्छेद कहते हैं। संधि को कई प्रकार से पढ़ाया और समझाया जाता है, लेकिन हम इसको कुछ भिन्न तरीके से पढ़ना चाहेंगे। संधि का अर्थ है मेल, संधि का अर्थ है जो, संधि का अर्थ है परस्पर मिला, अर्थात परस्पर उन वर्णों के बीच में होने वाली संधि के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई बाधक वर्ण हो तो वह संधि हो जाती है। क्योंकि संधि वही होगी जहाँ दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में कोई भी भेदक वर्ण बीच में नहीं होगा। अगर भेदक वर्ण होगा तो किसी भी प्रकार की संधि नहीं हो पाएगी। यही व्यवस्था अपन लोक व्यवहार में भी देख सकते हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार में भी हम देखते हैं कि परस्पर मेल, परस्पर स्नेह, परस्पर जुड़ाव तभी रहता है जब हमारे बीच में किसी प्रकार का मतभेद न हो। संधि के अंदर स्वर और वर्णों की संधि, केवल स्वर स्वरों की संधि, स्वर और विसर्ग लग बनाने वाली संधि। अब यहाँ संधि के तीन प्रकार बताए गए हैं। अच संधि, जिसको स्वर संधि भी कहा जाता है, हल संधि, जिसे व्यंजन संधि भी कहा जाता है, और विसर्ग संधि। अच संधि कहने का तात्पर्य हमारा, प्रत्याहार सूत्रों में पहले चार सूत्र आते हैं, ऐ ऊं रे ऋक् ए ओं ऐ औच। ऐ ऊं के ऐसे लेकर के ऐ औच के च तक जब उसको छोटा रूप दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है, तो वो एक अच प्रत्याहार बन जाता है। अर्थात इसके अंदर लगभग सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। और इन स्वरों को स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके उच्चारण में किसी प्रकार का, किसी भी व्यंजन वर्ण का सहयोग नहीं लिया जाता, इसलिए इनको स्वर कहा जाता है। स्वर संधि में सबसे पहले हम दीर्घ संधि के संबंध में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अक स वर्णे दीर्घ है। अक अक एक प्रत्याहार है, जिस प्रत्याहार में ए ई उ री